जरिए नहीं पहुंचती,
आप साक्षात यहाँ आनंदी गैरोला जी में देख सकते हैं। मुख्य अतिथि जी और सभी सम्मानीय अतिथिगण, आप सबका और उपस्थित जितनी भी महिलाएं हैं सबका स्वागत और यहाँ उपस्थित होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले संस्कृति फाउंडेशन के श्री बहादुर सिंह बिष्ट जी का हृदय से धन्यवाद और आभार प्रकट करती हूँ। आप सभी महिलाएं और जोर से उनके लिए ताली बजाएं। जैसे कि जब यह ठान लेती है कि उसे अपने खाली समय का सदुपयोग रचनात्मक तरीकों से मानवीय कार्यों के लिए करना है, तब रास्ते स्वयं ही बनने लगते हैं। हमारी आज की सम्मान मूर्ति श्रीमती आनंदी गैरोला जी इस सत्य का जीता जागता उदाहरण है। वैवाहिक जीवन की पारिवारिक जिम्मेदारियां जब हल्के से कुछ कम लगने लगी, तब 1983 में श्रीमती आनंदी गैरोला जी उसी वर्ष स्थापित हुआ गोवा शाखा के विवेकानंद केंद्र से जुड़ गए। 1995 तक आप सतत रूप से केंद्र से जुड़े हर पहलू पर मनन और कार्य करती रहीं। आपकी क्षमता के कारण आपको अध्यक्ष का पदभार सौंपा गया। सन 1996 में आप मुंबई आ गईं। उस समय पृथक राज्य उत्तराखंड की मांग को लेकर आंदोलन चल रहा था। आप आंदोलन संबंधी गतिविधियों से जुड़ गए। 2005 में मुंबई प्रवासी उत्तराखंडी समाज व उसके तहत कार्यबद्ध अनगिनत संस्थाओं और मंडलों को एक सूत्र में बांधकर उन्हें एक मंच प्रदान करने के उद्देश्य से उत्तरांचल महासंघ मुंबई की स्थापना हुई। 2009 में श्रीमती आनंदी गैरोला जी उत्तरांचल महासंघ मुंबई के अध्यक्ष पद पर मनोनीत रहे। तब से लेकर आज तक, आज वो 80 साल से ऊपर हो गई हैं। असली उम्र मैंने उनसे पूछी नहीं, लेकिन इतना मुझे पता है वो 80 साल से ज्यादा है। तब से लेकर आज तक महासंघ के परचम तले उन्होंने समाज सेवा और समाज उत्थान से जुड़े कई प्रकरणों पर अपनी कर्तव्य बद्धता की मुहर लगाई है। चाहे पृथक राज्य की मांग कर रहे आंदोलनकारी रहे हों या उनकी अर्धांगनियां जिन्होंने आंदोलन के संपूर्ण दौर में बल प्रदान किया था, आपने उन्हें ससम्मान धन्यवाद देने के कोई भी मौके नहीं छोड़े। करते हुए श्रीमती आनंदी गैरोला जी ने महासंघ के बैनर तले 2015 में रुद्रप्रयाग जिले के पुनार गांव में, 2019 में चमोली जिले के नौटी गांव में और उधम सिंह नगर खाटीमा के अलवेर्दी गांव में, 2023 में टीरी गढ़वाल के घनसाली क्षेत्र में और इस वर्ष फरवरी में पिथौरागढ़ जिले के चौकोड़ी व पाताल भुवनेश्वर के नज़दीक मल्लागढ़ ग्राम पंचायत में, वहां महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बुनाई सिलाई केंद्रों की स्थापना का काम चल रहा है। बहुत बड़ी बात है। नारी सशक्तिकरण की इस प्रबलतम कोशिश की जितनी भी सराहना की जाए कम है। ये सारे जमीनी प्रयास श्रीमती आनंदी गैरोला जी की दूरदर्शिता का परिचायक है। ऐसा नहीं कि आनंदी गैरोला जी अपनी संस्था के जरिए केवल अपनी जन्मभूमि उत्तराखंड में ही सेवाएं प्रदान करने में विश्वास रखती हैं। उनका ध्यान अपनी कर्मभूमि हमारे महाराष्ट्र पर भी बराबर बना रहता है। जुलाई 2021 में जब महाराष्ट्र के कई इलाके बाढ़ से प्रभावित हुए थे, तब श्रीमती आनंदी गैरोला जी ने अपनी 15 संसदीय
टीम के साथ महासंघ के बैनर तले चिपलून जाकर तीन गांवों में राहत सामग्री पहुंचाने की पहल की। हो जाते थे और हमने अपने बच्चों को, हमारी मम्मी, हमारे दादी, हमारे नानियों ने हमारे बच्चों को बहुत अच्छे से, आई मीन दे हैव टेकन अस लॉन्ग वे, एंड आई एम श्योर आप जो यहाँ पर बैठे हैं, मौजूद हैं, अपने, आई मीन यू ऑल आर एम्पावरिंग योर किड्स, एनी टाइम एनी सर्विसेज फ्रॉम मी, यू ऑल आर वेलकम। थैंक यू सो मच। संक्रांति मगर मेरे को उत्तराखंड के बहनों के से पहले भी मिला, अभी मेरे को तो गोड़ गोड़ बोलना ही पड़ेगा। यहाँ पे आज के कार्यक्रम में उपस्थित आनंदी बहन गरोला, हमारे मित्र, हमारे सहकारी सुरेश जी राणा जी, यहाँ पे उपस्थित मीनाक्षी भट्ट, मैडम पटवानी की, सरस्वती, ममता भट्ट, राधा पुजारी, राजा पूजा, राजू पटेल, सावित्री दुबे, कल्पना बिष्ट और श्रीमती राफेल, देर बैठ के क्या हो रहा था मुझे मालूम है कि हम सब जब नहीं इकट्ठा होते तो अपनी ताकत भी समझ में नहीं आती है, और अपनी ताकत समझ में आने के लिए, ताकत कुछ ये करने के लिए नहीं है, अच्छा करने के लिए कुछ ताकत इकट्ठा करना चाहिए, बुरा करने के लिए नहीं करना चाहिए। क्योंकि हमें अच्छा लगता है कि अभी नेहरू में कौस्तुभ के माध्यम से वहाँ पे भी फंक्शन हो रहा है, और यहाँ पे आज सबका सम्मान भी हो गया। तभी मेरे ख्याल से मैडम ने समालोचन करते टाइम कहा कि, ने किसी भाषण में कहा कि समालोचन करते टाइम किसी ने कहा, कह दिया कि बहादुर यहाँ पे सोना भी देता है, चांदी भी देता है। तो अभी राणा जी मुझे मालूम है, मैंने तो दो दो बार इसको चुन के लाया और मेरे को कभी उपहार नहीं मिला, और हम लोगों को उपहार मिलता है, तो आप कितने लक्की लोग हो, आपको सोना चांदी उपहार में मिलता है। मैंने सोना चांदी नहीं देता होगा, मगर सोने चांदी के मार्फत प्यार दे रहे हो, सोना चांदी से बढ़कर हम यही हमेशा के लिए होना चाहिए, यही बढ़कर रहना चाहिए। आज सब लोग इकट्ठा आ गए, मुझे मालूम है कि ताली दो टाइम से बजती है, दो टाइम के लिए ताली बजाई जाती है, पहले तो अच्छे के लिए ताली बजाते हैं, और दूसरे लिए जल्दी निकल के जाना चाहिए भाषण करने वाला, उसके लिए भी ताली बजाते हैं। तो आप जोर जोर से ताली बजा रहे हैं, किसके लिए ताली बजा रहे हो मुझे मालूम नहीं है, मगर इधर आने के बाद मुझे अच्छा लगा, आप लोगों का सबका इतना अच्छा मूड देख के मुझे अच्छा लगा। मुझे ऐसे लगता है कि अभी बीच में हम हमारे एक मित्र के शादी में दिल्ली में उत्तराखंड के हमारे उनके शादी में गए थे, तो उधर भी देखा हमने शादी के त्यौहार में उनके, तुम्हारे जो उत्तराखंड का उन्होंने जो बाजा बजाना वगैरह जो अच्छे अच्छे उधर रखे थे, एक अच्छा लगता है, अलग अलग लगता है। और हम तो दस दिन फंक्शन में जाते हैं, फंक्शन में रहते हैं, लोगों के बीच में पॉलिटिकली पर्सन है तो जाना पड़ता ही है, मगर ऐसे समाज के बीच में जाके समाज की दो बातें सुनने के लिए बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि हमें ये गर्व है कि ये नई मुंबई मेट्रोपॉलिटन सिटी है, इसके अंदर सभी जात धर्म के लोग यहाँ पे रहते हैं और सब लोग अच्छे अच्छे काम करते हैं। दो बार बहादुर नगर सेवक रह चुका है, अभी हमारे राणा जी नई मुंबई के अंदर के महाराष्ट्र के अंदर क्रिकेट के लिए फेमस पर्सन है, ये सपोर्ट भी करते हैं और अच्छी टीम इकट्ठा करके काम करते हैं और सबको आगे लाने के लिए चेतना देते, बढ़ावा देते। आप लोग एक है, हम तुम सब इकट्ठा आ गए और अब सब जब इकट्ठा आके आप जो ऐसे राणा जी के बहादुर के माध्यम से आप लोग उनके सहकार्य करेंगे, उनको सपोर्ट करेंगे, तो मुझे लगता है कि ये अपना उत्तराखंड जो इकट्ठा है, जो एक मोमेंट है, जो एक साथ जुड़े हुए, उसको कोई तोड़ने की कोशिश नहीं करेगा। और किसी बहन ने कहा अभी, क्योंकि हमारे उत्तराखंड में महिला ही रहती है, बाकी के तो सब मिलिट्री में काम के लिए जाते हैं, यहाँ भी मुंबई में भी यही पोजीशन रहते हैं, आप लोग सब जो घर के इधर रहते हैं, अभी इधर प्राध्यापक वगैरह एडवोकेट हैं, आप लोग भी जैसे यहाँ पे जो सत्कार मिलते हैं उनका जो काम देखने के बाद में, आप लोग भी यहाँ पे महाराष्ट्र के अंदर ऐसे काम करो कि जिधर जो उत्तराखंड और उत्तराखंड के लोगों के लिए जो सब जन रिच पर्सन नहीं रहते, कोई भी पुअर पर्सन भी रहते,
तो उनको उनकी शिक्षा के लिए योगदान के लिए आप उनके आगे आके उनके सरकार के लिए खड़ा रहो, यही मैं यहाँ पे बोलता हूँ। और आप लोगों को देख के बहुत खुशी हो गई, आज मकर संक्रांति का त्यौहार और त्यौहार के माध्यम से भी यहाँ आने के लिए हो गया कि कल त्यौहार तो 14 को रहता है मगर अभी ये टाइम संस्कार 15 को है, तो इसलिए आज सब लोगों को एक दिन पहले मिलने का अवसर मिला। आप लोगों को फिर से एक बार त्रिगुरु का गोड़ गोड़ बोला बोलता हूँ, जय हिंद जय भारत। साड़ियों का उन्हें बड़ा शौक होता है तो आज आपको भेंट स्वरूप संस्कृति फाउंडेशन की ओर से ये भेंट मिलने वाली है, इसके बारे में मैं बाद में आपको अन्य जानकारी दूंगी।